नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकेपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ऑक्शन के बारे में। कल जो ऑक्शन हुई है उसके बाद चेन्नई की टीम आपको पूरी बदली बदली लग रही है। पिछले साल चेन्नई की टीम खासा परेशानियों में रही। एक तो सुरेश रैना वापस आ गए, हरभजन सिंह भी वापस आ गए। उसके बाद चेन्नई की टीम एक ऐसी लग रही थी कि मानो पूरी की पूरी टीम महेंद्र सिंह धोनी के इर्द गिर्द ही हो। शेन वाटसन ने भी संन्यास ले लिया है। इसके बाद अब हरभजन सिंह को रिलीज करने के बाद, केदार जाधव को रिलीज करने के बाद, और आपको बात करें पीयूष चावला जो कि एक अच्छे स्पिनर भी थे, उनको लास्ट ईयर उन्होंने बाई किया था, उन सबको इन्होंने हटाया। और उसके बाद टीम को ज़रूरत थी कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो कि टीम की नैया को पार लगाए। तो कल सीएसके ने अच्छा खासा दांव लगाते हुए 6 खिलाड़ियों को खरीदा है, और ये 6 के 6 खिलाड़ी काफ़ी मायनों में अच्छे हैं। और बात की जाए अगर चेन्नई की जो पर्स की, जिन्होंने उन्होंने बाई किया है, कैसे प्लेयर्स को बाई किया है, और ये टीम अब पूरी की पूरी बदली लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो 2021 में आईपीएल होगा आपको कुछ अलग दिखाई देगा। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। यूएई में खेले गए आईपीएल में खराब प्रदर्शन के बाद महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में काफी उलटफेर होने की उम्मीद थी, लेकिन मेगा ऑक्शन की जगह मिनी ऑक्शन होने के कारण सीएसके की टीम ऐसा नहीं कर पाई। इसके बावजूद धोनी की टीम सीएसके ने इस साल हुए नीलामी में शानदार खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर लिया है। सीएसके ने इस दौरान 6 खिलाड़ियों को खरीदा जो इस साल उनको जीत दिला सकते हैं। इन 6 खिलाड़ियों में 2 ऑलराउंडर मोइन अली और कृष्णप्पा गौतम को सबसे ज्यादा पैसे देकर सीएसके की टीम ने शामिल किया है, जहां मोइन अली 7 करोड़ में, वहीं गौतम 9.25 करोड़ में सीएसके में शामिल हुए हैं। वहीं चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई की टीम ने 50 लाख रुपए में अपने टीम में शामिल कर सबकी वाहवाही भी लूटी है। वहीं चेन्नई के 3 भारतीय खिलाड़ी हरिशंकर रेड्डी, भगत वर्मा, हरि निशांत को उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदी है। जी, आपने देखा होगा कि चेन्नई में जो सबसे बड़ा जो बाई हुआ है वो है मोइन अली का। मोइन अली, उसके बाद आपकी एक बात करें टेस्ट स्पेशलिस्ट की जो एक छवि होती है पुजारा के ऊपर जो है, उसके बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स ने चेतेश्वर पुजारा को खरीदा। और उसके बाद पूरे ऑक्शन रूम में भी इस चेन्नई के इस आगे बढ़ने की, आगे आके पहल करने के लिए काफ़ी वाहवाही भी हुई है। और हो भी क्यों ना, एक ऐसा प्लेयर जो कि लगातार टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, लेकिन उनको लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मौका भी नहीं मिला है। हालांकि पुजारा ने शतक भी लगाया है T20 में। और एक और चीज़ है कि अगर आपके टॉप ऑर्डर में अगर कोई बल्लेबाज नहीं चलता है तो आप पुजारा को डेफिनेटली वहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप पुजारा से ओपन भी करा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना सकती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स टीम का पूरा स्क्वाड। स्क्वाड को एक बार देखिए और बताइए कि अब टीम आपके अनुसार बदली लग रही है या फिर नहीं, और इसके अंदर कितनी काबिलियत है इस अगले साल जो, यानी कि इस साल जो आईपीएल होने वाली है उसको जीतने का, और फिर से वही येलो आर्मी का फिर से वापस रंग में आने का। चलिए देखते हैं टीम। इस साल के आईपीएल में अब चेन्नई की टीम तरोताजा होकर कुछ नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो अब आपको दिखाते हैं सीएसके की टीम का पूरा स्क्वाड। फॉफ डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा और चेतेश्वर पुजारा, ये सीएसके के बल्लेबाज हैं। महेंद्र सिंह धोनी और एन जगदीशन के रूप में 2 विकेटकीपर फिलहाल सीएसके टीम में मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, डीजे ब्रैबो, मोइन अली, कृष्णप्पा गौतम और भगत शर्मा इस साल ऑलराउंडर्स के तौर पर टीम में खेलते नजर आएंगे। कर्ण शर्मा, आर साई किशोर, मिचेल सैंटनर और इमरान ताहिर इस टीम के धाकड़ स्पिनर्स हैं। वहीं तेज गेंदबाज की बात करें, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, लुंगी एंगिटी, जोस हेजलवुड, केएम आसिफ और हरिशंकर रेड्डी इस टीम के तेज गेंदबाज हों। तो अब आपने सीएसके टीम का पूरा स्क्वाड देख लिया है, और स्क्वाड देखने के बाद अब आपको अनुमान हो चुका होगा कि सीएसके की टीम पिछले कुछ सीजनों से अब इस बार के जो आईपीएल मुकाबले में उतरने वाली है वो कितनी बदली हुई है। और इस टीम का ओपनिंग से लेके मिडल ऑर्डर या फिर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट जो है, या फिर तेज गेंदबाज जो डिपार्टमेंट है,
स्पिन गेंदबाजी जो डिपार्टमेंट है सब एक बैलेंस्ड लग रहा है। आप में से कितने को लगता है कि कोई और प्लेयर्स भी इस टीम के स्क्वाड के साथ जुड़ना चाहिए था ताकि टीम और ज़्यादा मजबूत हो सकती थी, और किन किन को लगता है कि नहीं ये टीम इतनी परफेक्ट है कि अब किसी भी टीम को आईपीएल में तगड़ा झटका दे सकती है और हरा सकती है और खिताब भी जीतने का मद्दा रखती है। आप कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं और भी बेहतरीन खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन खबर में, फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए NKB Sports।